नमस्कार दोस्तों, माझा टेक्निकल चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर क्या कारण है कि YouTube पे लगभग 60% जो क्रिएटर्स हैं वो वहाँ पे फेल हो जाते हैं। यानी कि वो YouTube प्लेटफॉर्म पे आते हैं एक जोश और उत्साह के साथ और उस समय अपना चैनल जो है क्रिएट करते हैं, लेकिन क्या कारण है कि 3 से 4 महीना या फिर 6 महीना या फिर 1 साल के अंदर जो है वो YouTube से बैक हो जाते हैं। जाहिर सी मतलब है कि उनका चैनल का मोनिटाइजेशन जो है वो इनेबल नहीं हो पाता है या फिर YouTube प्लेटफॉर्म पर वो सक्सेस नहीं कर पाते हैं। आखिर क्या कारण है कि 60% जो व्यक्ति हैं वो YouTube प्लेटफॉर्म पे फेलियर हो जाते हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन है उस क्रिएटर्स के पास पेशेंस का ना होना। अधिकांशतः क्रिएटर्स YouTube पे यही सोचकर आते हैं कि चलिए सारे जो क्रिएटर्स हैं वो लाख रुपया यहाँ पे महीना कमाते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। YouTube उस तरीके का कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे सारा क्रिएटर्स जो है लाख रुपया महीना यहाँ पे अर्निंग करा हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसे भी क्रिएटर्स YouTube प्लेटफॉर्म पे आज के डेट में है जो प्रतिदिन वीडियो अपलोड करते हैं और उनके महीने का अर्निंग आप सुनेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 1,000 या फिर 2,000 उनके महीने का अर्निंग होता है, आप सोच सकते हैं। तो जिस क्रिएटर्स का वीडियो आप देख कर यूट्यूब प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि हम जो है 2 महीना काम करें या फिर 3 महीना काम करें या फिर 6 महीना यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर काम करें और 1 लाख का महीना कमा ले, तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। वीडियो को वायरल कर लेना और YouTube प्लेटफॉर्म पे सक्सेस हो जाना, ये दोनों जो है दो चीज़ें हैं। हमेशा ध्यान रखिए, वीडियो को वायरल होने से चैनल इंक्रीज होने का कोई भी संबंध नहीं है। एक वीडियो वायरल हो सकता है, 2 वायरल हो सकता है, 3 वायरल हो सकता है, लेकिन जो आप इंक्रीज वहाँ पे करते हैं, जो दर्शक कंटिन्यू आपसे जुड़ते हैं, वो जब जब प्रतिदिन आप वीडियो अपलोड नहीं करेंगे, एक टाइम और रूटीन के अनुसार पे वीडियो अपलोड नहीं करेंगे, तब तक पॉसिबल नहीं होगा। तो एक तो सबसे पहला जो वहाँ पे क्रिएटर्स गलती करते हैं कि उनके अंदर पेशेंस ही नहीं होता है। वो 1 महीना YouTube प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, 2 महीना YouTube प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं और देखते हैं कि चैनल इंक्रीज नहीं हो रहा है, चैनल का सब्सक्राइबर जो है वो नहीं बढ़ रहा है, चैनल पे व्यूअर्स जो है वो नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं, और यही कारण से जो है वो थक जाते हैं और वीडियो डालना वहाँ पर धीरे धीरे जो है वहाँ पर छोड़ देते हैं। अब उसके बाद उनके मन पर होता है कि जिस समय वो फ्री होते हैं उस समय वीडियो को बनाते हैं और उस समय वो वीडियो को अपलोड करते हैं। तो एक आपको बात सोचना पड़ेगा कि आप YouTube प्लेटफॉर्म पे अर्निंग करने के लिए आ रहे हैं। हमेशा इस बात को ध्यान रखिए, किसी भी क्षेत्र में अगर आप मेहनत करते हैं तो मेहनत अगर आप मन से करेंगे तभी वहां पे सक्सेस हो पाएंगे, लेकिन किसी भी चीजों को अगर आप एक मजाक समझेंगे, चाहे वो कोई हो, YouTube प्लेटफॉर्म नहीं हो, आप किसी भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए आपको एक रूटीन डाटा जो है तैयार करना ही होगा, उसके सब्जेक्ट को आपको पढ़ना ही पड़ेगा, तभी आप वहां पे जो है सफलता हासिल कर सकते हैं। अदरवाइज अगर किसी भी एजुकेशन को अगर आप मजाक लेकर आगे बढ़ेंगे तो वहां पर भी आप फेलियर साबित होंगे। और यही कारण है कि जो क्रिएटर्स YouTube प्लेटफॉर्म पे आते हैं वो सोचते हैं कि चलिए जिस समय हम फ्री है उस समय कोई भी वीडियो बना देते हैं और जिस समय उनको मन हुआ वीडियो बनाते हैं और YouTube प्लेटफॉर्म पे जाके अपलोड कर देते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं चलने वाला है। आप छोटे से छोटे यूट्यूबर को लीजिए या फिर बड़े से बड़े यूट्यूबर को ले लीजिए, हर यूट्यूबर का एक टाइमलाइन जो है उसके चैनल पर बिल्कुल सेट किया हुआ है कि आखिर वो यूट्यूबर अपने चैनल पर किस समय वीडियो अपलोड करते हैं। आप जाइए एक बार यूट्यूबर को जो है सर्च जरूर कीजिए, आप जिस यूट्यूबर का वीडियो आप देखते हैं उनके चैनल पे विजिट जरूर कीजिए, उस हर क्रिएटर्स का एक टाइमलाइन वहां पे सेट है। अगर प्रतिदिन वो एक वीडियो अपलोड करते हैं तो उनका काम ही है कि वीडियो वो अपलोड करेंगे ही करेंगे, इसी आधार पे आपको भी काम करना पड़ेगा। जब आप यूट्यूब प्लेटफॉर्म से जुड़ते हैं तो आप 2 महीना नहीं, 3 महीना नहीं, 6 महीना भी आप बिल्कुल जो है वहां पर आंख मूंद के और एक टाइमलाइन अपना बनाइए कि प्रतिदिन अगर वीडियो बनाना है तो प्रतिदिन ही वहां पर अपलोड कीजिए, लेकिन वीडियो अपलोड जरूर कीजिए। क्योंकि आप एक एग्जाम्पल लीजिए, आप अपने चैनल पे जो है 5 वीडियो डाल देते हैं, 10 वीडियो डाल देते हैं और सोचते हैं कि आखिर हमारे चैनल पे सब्सक्राइबर क्यों नहीं इंक्रीज हो पा रहा है या फिर हमारे चैनल पे दर्शक क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं। ये सोचने से पहले आप ये सोचिए कि एक मामूली सा अगर आप कोई दुकान भी खोलते हैं तो उस दुकान में आपको कुछ सामान जो है रखना होता है। ऐसा नहीं कि एक बिस्किट का डब्बा आप अपने दुकान में लेकर बैठ जाएंगे और सोचेंगे कि हमारे पास दर्शक जो है आना स्टार्ट हो जाए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। सबसे पहले आपको अपने दुकान में सामग्री को जो है भरना पड़ेगा। ठीक वही यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर भी होता है। यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर जब आप चैनल क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले आपको अपने चैनल पर एक लाइब्रेरी तैयार करना होता है, यानी कि वीडियो का जो संख्या है वो वहां पे इंक्रीज करना होता है। लेकिन शुरुआती जो क्रिएटर्स होते हैं वो अपना पेशेंस वहीं पे खो देते हैं। जो समय आपके पास होता है आपके चैनल पे लाइब्रेरी तैयार करने का, वो समय पे आप सोचते हैं कि आखिर मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर या फिर व्यूवर्स क्यों नहीं आ पा रहा। यही सबसे बड़ा क्रिएटर्स का गलती है। जिस समय हमें सोचना है कि हम व्यूवर्स को कैसे पकड़ें, हम अच्छे वीडियो तैयार कैसे करें, एक सबसे पहले एजेंडा आप बनाइए
कि 6 महीना बिल्कुल सब्सक्राइबर और व्यूवर्स को आप वहाँ पे भूल जाइए। 6 महीना इतना मान के चलिए कि आपके चैनल पे 0 सब्सक्राइबर है और 0 व्यूवर, लेकिन कम से कम आप अपने चैनल पे लाइब्रेरी तो तैयार कीजिए, वीडियो का संख्या तो वहाँ पे इंक्रीज कीजिए। और देखिए 6 महीना अगर आप प्रतिदिन वहाँ पे वीडियो अपलोड करते हैं तो बिल्कुल आपके चैनल पे अचानक से जो है सब्सक्राइबर भी आ जाएंगे और साथ ही साथ वहाँ पे दर्शक भी आ जाएंगे। और उसके बाद जब जब आप वीडियो प्रतिदिन अपलोड करेंगे, प्रतिदिन आपके वीडियो को देखने वाले वहाँ पे तैयार होंगे। हमेशा ध्यान रखिए, आज जिस भी क्रिएटर्स का वीडियो आप देखिए यूट्यूब पे जाके, जो आज अपलोड करते हैं और 1 दिन में 1 मिलियन व्यू आ जाता है, जो आज अपलोड करते हैं 1 दिन में 1 लाख व्यू आ जाता है, वो भी क्रिएटर्स जिस समय यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्टार्ट हुआ था, जिस समय पहली वीडियो अपलोड किया हुआ था, उस वीडियो पर 1 दिन में 0 व्यू था, 5 दिन में भी 0 व्यू था, या फिर 10 दिन में भी 0 व्यू था। इसका मतलब साफ हो जाता है कि कोई भी नया यूट्यूबर हो जिसको यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे या फिर सोशल जगह पे जिसका कोई पहचान नहीं हो, अगर वो स्टार्ट करता है तो जाहिर सी बात है धीरे धीरे आप आगे की ओर इंक्रीज करते हैं, लेकिन अधिकांशतः जो क्रिएटर्स होते हैं वो अपना पेशेंस वहीं पर खो देते हैं और सिर्फ ये सोचते हैं कि आखिर कोई भी क्रिएटर्स 1 लाख रुपया महीना कैसे कमा लेता है। हमेशा ध्यान रखिए, 1 लाख रुपया महीना यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर वही क्रिएटर्स कमाता है जो यूट्यूब 3 साल पहले या फिर 5 साल पहले से जो है काम करता है। किसी भी यूट्यूबर की हम यहां पर चर्चा कर रहे हैं, कोई भी ऐसा यूट्यूबर आपको यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलेगा जो 6 महीना में आया हो और 1 लाख का महीना यहां पर अर्निंग कर रहा हो, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। हाँ, कोई वीडियो वायरल हो जाए उससे 1 लाख वो कमा ले वो अलग बात है, लेकिन मंथली एक फिक्स 1 लाख होना वो उसी क्रिएटर्स के साथ होता है जो कम से कम 3 साल या फिर 5 साल पहले से जो है यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर काम करता है। तो यूट्यूब की सच्चाई यही है, अगर आप सुनी सुनाई हुई बातों को लेकर आप यूट्यूब पर आए हुए हैं और 1 लाख रुपया आप महीने का जो है वहां पे अर्निंग करने का सोच रहे हैं तो ये असंभव भी नहीं है, बिल्कुल संभव है, लेकिन उसके लिए आपको अपने चैनल पे मेहनत करना होगा। उसके लिए आपको एक टाइमलाइन जो है वो आपको सेट करना होगा कि आखिर किस समय पे आप वीडियो अपलोड करेंगे, और जिस समय जब आपको भूख लगता है उस समय खाना आप जरूर खाते हैं, ठीक उसी तरीके से आपको वीडियो बना के अपने चैनल पर ठीक उसी टाइम पर जाकर अपलोड जरूर करना होगा, ताकि यूट्यूब भी देखता है, यूट्यूब उसी क्रिएटर्स को यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर बढ़ावा देता है या फिर जगह देता है जिसको YouTube देखता है कि बिल्कुल आप वहां पे एक ईमानदारी पूर्वक जो है काम कर रहे हैं, आपकी मजाक को ऐसा नहीं कि सिर्फ आप समझ रहे हैं, दर्शक तो समझते ही हैं। अगर आप टाइम पे वीडियो नहीं डालेंगे, जिस समय आपकी जो मर्जी हुई वो वीडियो आप उठाकर लाकर डाल देते हैं, जिस वीडियो से दर्शक को कोई लेना देना नहीं है वैसा वीडियो आप जो है यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर डालते हैं, तो दर्शक बखूबी समझते हैं कि आप वहां पर दर्शक को बेवकूफ समझ रहे हैं या फिर कोई भी आप मेहनत वहां पर नहीं कर रहे। और साथ ही साथ दर्शक के अलावा जो मेन यूट्यूब प्लेटफॉर्म जो दर्शक को मौका देता है वो YouTube तो 110% समझ रहा है कि आखिर आप YouTube पे कितना मेहनत कर रहे हैं, आप कितना मन लगाकर जो है वहां पे अपनी एक्टिविटी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसलिए सबसे पहले 6 महीना आपको एक ही एजेंडा तैयार करना होगा, वो एजेंडा ये होगा कि आप अपने YouTube चैनल पे वीडियो का लाइब्रेरी तैयार कीजिए, और कोई भी ऐसा वैसा वीडियो अपलोड मत कीजिए, वीडियो वहीं बनाइए जो आपके चैनल के कैटेगरी में आता है। सबसे पहले आप अपने चैनल का कैटेगरी क्या रखे हुए ये देखना होगा, टेक्निकल है तो अधिकांशतः वीडियो टेक्निकल से रिलेटेड डालिए, न्यूज है तो न्यूज डालिए, सिंगिंग करते हैं तो सिंगिंग डालिए, ऐसा नहीं कि एक ही चैनल आप बनाए हुए और उस पर जो है सैकड़ों वीडियो कहीं कहीं से लाकर आप अपलोड कर दे रहे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। हाँ, अलग वीडियो जरूर डाल सकते हैं, लेकिन आपके चैनल का जो कैटेगरी है 70% कैटेगरी जो है वही वीडियो आप अपलोड कीजिए। तो पहला एक ही एजेंडा तैयार कीजिए कि नंबर ऑफ लाइब्रेरी या फिर नंबर ऑफ संख्या जो वीडियो का है वो अधिकांशतः अपने चैनल पर इंक्रीज कीजिए, और साथ ही साथ पेशेंस अपने मन में बनाए रखिए। आप 6 महीना यूट्यूब पर बिल्कुल आप सोच के चलिए कि आपके चैनल पे 0 सब्सक्राइबर और 0 व्यूवर्स है, जबकि ऐसा होगा नहीं। अगर आप प्रतिदिन टाइमलाइन सेट करके वीडियो अपलोड करेंगे तो सिर्फ 3 महीना 3 महीना में आप अच्छा खासा जो है YouTube पे इंक्रीज कर पाएंगे, लेकिन बशर्ते वो आपको काम करना पड़ेगा। जरूरी नहीं कि 3 महीना में आप वहाँ पे आगे बढ़ ही जाइए, क्योंकि आज के डेट में YouTube प्लेटफॉर्म पे इतने सारे क्रिएटर्स हो गए हैं, एक ही कैटेगरी पे जो है लाखों क्रिएटर्स है, इसलिए यहाँ पे आज के डेट में इंक्रीज हो पाना काफ़ी मुश्किल हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं कि नामुमकिन नहीं है। आप एक अपना टाइमलाइन सेट करके चलिए, जरूर आप अपलोड करते जाइए, और 6 महीना में आप देखेंगे कि आपके चैनल का जो मोनिटाइजेशन है वो भी इनेबल हो गया है और आपके वीडियो पे जो है वहाँ पे ऐड करना भी शुरू हो गया। लेकिन आप ये जो सोचेंगे कि 50,000 मंथली यूट्यूब से कमा ले या फिर 1 लाख रुपया मंथली और यूट्यूब से कमा ले, तो उसके लिए यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे कम से कम आपको 5 साल पुराना जरूर होना होगा, 5 साल आपको मेहनत करना होगा, तभी आप वहां से 1 लाख रुपया मंथली जो है वो आप कमा सकते हैं। अदरवाइज ये आप सोचेंगे कि 6 महीना या फिर 1 साल में जो है 1 लाख रुपया मंथली हम फिक्स कर लें यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, तो ये किसी भी कंडीशन में सक्सेस जो है वो नहीं होगा।